एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज़ की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो उस गेम की तरफ से आ रही है जिसको इंडियन एयरफोर्स लॉन्च करने वाली है और 31 जुलाई 2019 को इसका पहला लॉन्च होगा और यह एंड्रॉयड और iOS दोनों पे ही देखा जा सकता है, खेला जा सकता है। इस गेम का नाम है इंडियन एयरफोर्स अकट एवब। इससे पहले इसका बीटा लिंक जनरेट हुआ था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही और कई लोगों ने आप में से खेला भी होगा। उनका कहना है, जैसा कि मुझे कमेंट मिले हैं, कि बहुत अच्छा गेम है और इसकी खास बात यह है कि इसमें हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को भी फीचर किया गया है। आप यह तस्वीर देख सकते हैं, यह तस्वीर इस गेम की टीजर से ली गई है जिसको इंडियन एयरफोर्स ने अभी अभी जारी किया है और आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पा भी सकते हैं। तो इस टीजर से यह साफ साफ पता चलता है कि विंग कमांडर अभिनंदन को भी हम इस गेम में देखेंगे और यह काफी हौसला बढ़ाने वाला गेम होगा क्योंकि हमें एक रियल करेक्टर मिलेगा जिसको रियल जिंदगी में हम लोग जानते हैं कि वो हीरो है। बहुत अच्छा गेम है और इसमें अलग अलग प्रकार के आपको एयरक्राफ्ट देखेंगे। टीजर आप देख सकते हैं, इससे आपको गेम के बारे में पता चलेगा। जैसे ही ये गेम लॉन्च होगा मैं जरूर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। बात करेंगे अपने नाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तो 7 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में इसका परीक्षण चल रहा है और वो यूजर ट्रायल चल रहा है क्योंकि इस यूजर ट्रायल के बाद ही इसको इंडक्ट किया जाएगा इंडियन आर्मी में और इसका 11 दिनों में कुछ 12 अलग अलग प्रकार का ट्रायल किया गया है। 12 इसके लॉन्च किए गए हैं और यह सभी ट्रायल सक्सेसफुल रहा है। डीआरडीओ की तरफ से इसका वीडियो भी लॉन्च किया गया है, इसके ट्रायल का वीडियो लॉन्च किया गया है और इस वीडियो को देखने से साफ साफ पता चलता है कि मिसाइल के द्वारा अच्छे से टारगेट हिट किया गया है और जल्द ही हम लोगों को नाग मिसाइल इंडियन आर्मी में इंडक्ट होते हुए दिखाई देगी। आप ये जानते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने नाग मिसाइल को खरीदने के लिए ऑलरेडी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट फाइनल कर दिया है और इसको जैसे ही यूजर ट्रायल कंप्लीट होगा इसको इंडक्ट किया जाएगा इंडियन आर्मी में। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे, भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि एक शिप था जो कि यूके का फ्लैग्ड शिप है, यानी कि वह यूके का शिप है और उसका नाम है स्टीमा एम्परो। उसमें 18 भारतीय सवार थे जो कि एक टैंकर शिप है जो कि एक स्वीडिश कंपनी के द्वारा चलाया जाता है और इसमें 25 कुछ क्रू मेंबर थे जिसमें कि 18 भारतीय थे और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। एक्चुअल में इस जो टैंकर शिप है इसके द्वारा मछुआरों की शिप के साथ एक्सीडेंट हो गया था और इसके बाद ही ईरानियन अथॉरिटी ने इस शिप को बंदी बना लिया था और इसमें जितने भी क्रू हैं, क्रू मेंबर्स हैं, उनको सबको बंदी बना लिया गया है। 18 भारतीय हैं, विदेश मंत्रालय ईरान से बात कर रहा है और 18 भारतीयों के जल्द ही छूट जाने की संभावना है, ऐसा विदेश मंत्रालय का कहना है। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर में भारत और रशिया के बीच के रिश्तों की खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जो तीनों सर्विसेज हैं वो रशिया की तीनों सर्विसेज के साथ एक एक्सरसाइज करने वाली है। 2019 में ये एक्सरसाइज होगी और इस एक्सरसाइज का मेन मकसद यह होगा कि रशियन सेना को जो सीरिया में लड़ते हुए जो एक्सपीरियंस गेन हुआ है उस एक्सपीरियंस को भारत लाना है। रूस की यात्रा में जब हमारे एयरफोर्स चीफ गए हुए थे तो उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में यह बताया कि इस प्रकार की एक्सरसाइज होगी दोनों ही देशों के बीच में, जिससे कि हमें सीरिया में जो हुआ एंटी टेरर ऑपरेशन जितना हुआ उसके बारे में पता चलेगा और करंट वॉर सिनेरियो पता चलेगा, जिससे कि हमें भविष्य में बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।